Hello guys, welcome back to another video. और इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा बादशाह जी का स्केच करके, फुल उसका क्या क्या कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, कौन सा किस किस एरिया में कितना हाइलाइट्स है, ब्लेंड्स हैं, सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली आईबॉल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने आउटलाइन पूरी अच्छी पेंसिल से की है। पेज मैंने प्रिंट आउट पेज लिया है, कोई भी हैवी क्वालिटी पेज नहीं है। मैं आपको पूरा वीडियो में, जो भी पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें भी बताया हूँ मैं। सो नॉर्मली मैं एचपी पेंसिल से भी ये शेड कर रहा हूँ। आईबॉल मैंने 10B और 6B से किया है, डार्क पार्ट 10B से और लाइट पार्ट 6B से। सो ऊपर का जो भी आईब्रो के नीचे वाला पार्ट है वो मैंने एचपी से कर दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये 10B अप्लाई कर रहा हूँ दूसरे आईबॉल में, देख के आप लोग समझ जाएंगे। सो अभी ये 10B अप्लाई किया था, सो अभी उसके ऊपर से मैं 6B अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्कनेस देने के लिए, और जो आई लेशेस का पार्ट है साइड में आँख वाला वो भी मैं 10B से ही दिया हूँ। सो कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, सारा चीज़ क्लियर होते जाए। और अपना जो भी डाउट हो नया किस वीडियो, आपका जो भी नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो शेडिंग करना सिंपली आपको सबसे लाइटेस्ट पार्ट से शुरू करना है, और यहाँ पे मैं HB पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ हाईलाइट को देखकर। हाईलाइट्स में अभी इरेजर से दूंगा, ऐसे कोई भी ऐसे जहाँ पे देखकर जहाँ पे हाईलाइट पार्ट है ज़्यादा वहीं पे सिर्फ आपको छोड़ना है डॉट्स करके या कुछ भी करके, कोई भी मार्क करके आपको छोड़ देना है कि वहाँ पे हम नहीं करेंगे शेड थोड़ा सा भी। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नोज़ के पास हाईलाइट दिया, ये सिंपली मैंने ये छोटा सा इरेजर का टुकड़ा काट के किया, कोई भी मोनो मोटो इरेजर कुछ भी नहीं यूज़ किया मैंने। और ऊपर का आईब्रो का नीचे वाला पार्ट सिंपली वो 6B से था, सिंपली से एकदम लाइटली, और ये आईब्रो मैं 6B से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये चिक पार्ट जो भी है वो उसके कैम्पलिन के 4B पेंसिल से कर रहा हूँ मैं। और ऊपर का आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट था वो मैंने HB से ही शेड किया था। और ये हेयर में मैं पहले 10B अप्लाई कर रहा हूँ साइड से, फिर 6B अप्लाई किया था। ये जो नीचे का जो बियर्ड वाला बियर्ड से जो अटैच कर रहा है वो वाला पार्ट पे मैं 10B यूज़ किया था, और उसके ऊपर मैंने 6B यूज़ किया था नॉर्मली। और उसके जो पीछे है जो सबसे डार्क वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने 10B अप्लाई किया था। यहाँ पे हेयर में सिंपली यहाँ पे 10B से ही कर रहा हूँ, पहले स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। हेयर में आपको मैं सिखाया हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपली आपको उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको फोटोग्राफ है उसको ऑब्जर्व करके उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगाने होते हैं हेयर। और अभी हम लोग यहाँ पे साइड का जो पार्ट है हेयर में उसको शेड कर रहे थे, यहाँ पे हाईलाइट्स थोड़ा सा देख के चिक के पास में, यहाँ पे साइड लेफ्ट से लाइट पड़ रही है सो इसीलिए वहाँ पे हाईलाइट छोड़ कर हमने अभी लिप्स का काम चल रहा है। सो पूरे अच्छे से ऑब्जर्व करिए फोटोग्राफ, और उस माध्यम से आपको जहाँ पे लगे यहाँ पे लाइट है यहाँ पे डार्क है उस हिसाब से भी आप देख सकते हो, किसी चीज़ को कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर मैं सिंपली आपको ट्राई करना हूँ कि कैसे आप कौन कौन सा पेंसिल कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो वैसे। सो लिप्स मैंने सिंपली HB पेंसिल से किया है, आप लोगों ने देखा है। सो यहाँ पे मैं 6B अप्लाई कर रहा हूँ नॉर्मली, जो बियर्ड का जो पार्ट है उसमें भी वही फंडा यूज़ होगा। सिंपली आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं जैसे आपको डायरेक्शन देखकर फोटोग्राफ ऑब्जर्व करके। और यहाँ पे मैं बियर्ड का जो भी है उसका मैं स्ट्रोक्स ड्रॉ कर लिया था 6B से, और यहाँ पे भी 6B मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे अभी 6B यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे हाईलाइट्स देने के लिए, सॉरी मतलब डार्क करने के लिए, इट्स माई मिस्टेक। एंड यहाँ पे मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ 10B मैं यूज़ किया था, सिंपली आपको लाइटली मैं यूज़ किया था 10B। सो कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इसीलिए मैं पूरा क्लियर करते जा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर और काम करूँगा। और यहाँ पे मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ, ईयर में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ईयर में तो जैसे है वैसे शेड करना है। और यहाँ पे नेक वाला पार्ट है वो मैंने सिंपली HB से किया है, और उसके बाद ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया मैं। अभी ये टी शर्ट जो भी है उसमें जो भी डार्क पार्ट है वहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे जो अब दिख रहा है जो मैंने डार्क किया है
उसके बाद से जो मैंने उसके अंडरलाइन किया है उसको बस छोड़ा है मैंने ना, वो उसको लाइट करके छोड़ना है हमको, उसे एक्स्ट्रा ग्रेफाइट से उसको ब्लेंड कर देंगे हम लोग। सो इसीलिए आपको, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि कोई भी आप वीडियोज़ देख लो, ऐसे भी इससे होते हैं जो क्लियर नहीं करते उतने अच्छे से, बिगनर्स को समझ में नहीं आता। और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना 100% देने का। एंड यहाँ पे मैं सिंपली HP से किया था, यहाँ पे जो भी शेडो पार्ट है। और यहाँ पे मैं 10B अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 6B का यूज़ है, 6B अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने HP से किया थोड़ा सा डार्क करके, ऊपर मैंने 6B अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइट लग रहा था। और जैकेट में तो किसी को खास प्रॉब्लम नहीं होगी, पर किसी को होगी, तो इसीलिए मैं क्लियर करते जा रहा हूँ ये भी चीज़। और यहाँ पे जैकेट का जो भी है नीचे वाला, वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे 6B अप्लाई कर रहा था, यहाँ पे मुस्टाच में मैंने 6B अप्लाई किया। और एक्स्ट्रा ग्रेफाइट से मैं ब्लेंड किया था यहाँ पे, देखिए जैकेट में कर रहा हूँ मैं, जैसे एक्स्ट्रा ग्रेफाइट यूज़ कर। यहाँ पे मैं 10B अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क पार्ट है, और वही रिपीट कर रहा हूँ जो भी एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है उसे मैं ब्लेंड कर रहा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो भी आपके रिलेटिव हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हों आर्ट में, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कंटेंट देखने के लिए। मेरे वीडियो का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, 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 oh